हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी शेफ तरुणा बिरला। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग फटाफट बनने वाली कोकोनट बर्फी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमें यहां एक पैन में लेना है 125 ml जितना मिल्क और उसको उबाल उबाल के हमें आधा कर लेना है, यानी कि जब तक वो 75 ml का हो जाए तब तक हमें उसको उबालना है। करीब ये हो चुका है, मैंने ऑलरेडी कर दिया है इसको। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर, यहाँ पे 100 ग्राम शुगर है। बस ये ध्यान रखना है कि दूध को थोड़ा सा उबाल के और फिर हम उसमें शुगर डालेंगे और जो हमारा दूध है वो फुल फैट होना चाहिए। अभी कंटिन्यू इसको चलाना है। जैसे ही शक्कर अच्छे से घुल जाएगा और आप देख सकते हैं कि दूध हमारा जो है एकदम ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और शक्कर अच्छे से घुल जाए उस स्टेज पे हम डाल देंगे 125 ग्राम जितना हमारा डेसिकेटेड कोकोनट। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे अप्रोक्स 2 टेबलस्पून जितना गुलाब जल। इससे जो है फ्लेवर बहुत अमेजिंग आएगा इसमें। और तुरंत ही अब हम इसको बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे। गुलाब जल डाल के सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट इसको चलाना है, इस तरह से जो हमारा मिक्सचर थोड़ा थिक हो जाए, और तुरंत हम गैस ऑफ कर देंगे। फाइनली हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे और फटाफट इसको हम एक ग्रीस की ट्रे में इसको सेट करेंगे। अभी जो हमारी कोकोनट बर्फी है सेट होने के लिए रेडी है। ऊपर मैंने सिल्वर वर्क और जो है रोज़ पेटल्स के साथ इसको गार्निश किया, क्योंकि अंदर जो फ्लेवर हमने दिया है वो रोज़ का दिया है। तो अभी हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो अभी रेडी है हमारी कोकोनट बर्फी, बहुत ही झटपट बनने वाली। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।